अमेठी जनपद के संग्रामपुर ब्लॉक कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी अरुण कुमार अचानक ब्लॉक कार्यालय पहुंचे। सुबह लगभग 10:30 बजे के करीब डीएम अरुण कुमार के द्वारा ब्लॉक संग्रामपुर कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन निर्माण तथा मनरेगा आदि के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान ब्लॉक कार्यालय पर खंड विकास अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी मौजूद मिले। जिलाधिकारी के निरीक्षण में जो भी अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, सभी से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था। इस दौरान एपीओ मनरेगा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए तथा उनके द्वारा कराए गए कार्य संतोषजनक पाया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा मनरेगा के कराए गए कार्य की प्रतावली मांगी गई, जिस पर वीडियो के द्वारा यह बताया गया कि वह गांव में रखी हुई है। जिलाधिकारी महोदय तत्काल गांव चलकर निरीक्षण करने के लिए कहा। इसके उपरांत तत्काल जिलाधिकारी महोदय संग्रामपुर ब्लॉक के करौंदी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने मनरेगा द्वारा कराए गए कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान मनरेगा की पतावली वहां पर भी नहीं पाए जाने पर तत्काल एपीओ मनरेगा की संविदा समाप्त का निर्देश देते हुए ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया। क्यों नहीं लाए भाई फीता लेके आने के लिए कहे थे? सर फीते बना के लेआउट बनावा ले लिया। अरे लेआउट सर इसको कंट्रोल कराइए अभी। बिना फीता लेके आने के आप लोगों क्या मतलब रह गया बताइए? जल्दबाजी में। अरे जल्दबाजी क्या, जब सर कहेगा हमने कहा फीता लेके आइए, क्या करेंगे बिना फीते किसने? अरे फाइल को रख लो, इस फाइल में जिसका पेमेंट हुआ है, जितने वर्कर लगे हुए हैं सबके जॉब कार्ड की फोटो कॉपी करके मुझे दिखा देना, ठीक है? शाम तक, ठीक है? जो पेमेंट हुआ है मुझे वो दिखा दो और मैं वहाँ से टीम भेजूँगा जो यहाँ पे आके प्रोवाइड करेगी इसकी पूरा कितना काम हुआ है, ठीक है? अभी कमेटी बन जाएगी आपकी। चलो, कार का निरीक्षण किया गया और क्या कुछ मिला? आज रात लगभग 10:30 बजे संग्रामपुर ब्लॉक का एक औचक निरीक्षण किया गया है। इसमें वहाँ पे कर्मचारी की उपस्थिति इत्यादि की जानकारी ली गई है। मनरेगा के जो एपीओ है वो बिना सूचना के वहाँ पे अनुपस्थित थे, उनके कार्य भी संतोषजनक वीडियो द्वारा बताया गया है और मनरेगा से संबंधित कई कार्यों की पत्रावली मंगाई गई, वो भी वहाँ पे उपस्थित नहीं थी। तत्पश्चात मौके पे आकर निरीक्षण किया गया, यहाँ पे पत्रावली उपस्थित नहीं। इस प्रकार से कामों का भौतिक सत्यापन भी ग्राम सेक्रेटरी और एपीओ द्वारा नहीं कराया गया है। एपीओ की संविदा समाप्त करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है तथा सेक्रेटरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो टीए है उनकी भी यहाँ पे जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए किया गया है। जो ऐसा कार्य इसका भौतिक सत्यापन नहीं पाया उसके लिए जिला स्तर से एक समिति गठित करके इसकी जाँच कराई जाएगी तथा इसमें जो पेमेंट इत्यादि हुआ है उसकी भी जाँच कराई जाएगी। जी सर, कुछ कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं कि? जो कर्मचारी अनुपस्थित हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। एपीओ जो वहाँ पर है वो कई महीनों से वहाँ से काम ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा वीडियो द्वारा बताया गया है। इनके कामों की जांच रखकर इनकी संविदा समाप्ति की सर एक सवाल सर, और सर एक आवास संबंधित सर है, जो ग्राम सभाओं में किस प्रकार से आवास का आवंटन किया जा रहा है, क्योंकि किन किसी ग्राम सभाओं को 35 आवास दे दिया गया है, किस आधार पर किन को 4-5 पे संतोष करना पड़ा है या बड़े छोटे जैसे भी हैं सर? देखिए, आवास के जो आवंटन है वो शासन के दिशा निर्देश के अनुसार किया जा रहा है। कोई अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत प्रॉब्लम है तो आगे आप शिकायत कर सकते हैं, इसकी हम जाँच करा देंगे। हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट।